बौद्ध धर्म अपनाते वक्त बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं ली थीं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के आष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, जो मानवता के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। आंबेडकर वादियों को इन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।